दोस्तों आज हमारे सामने हुंडई के मोस्ट स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई वेन्यू एनलाइन। कार के लुक्स अट्रैक्टिव है ही, इसके साथ ये कार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। कई सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। एक्सटीरियर में डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल, एनलाइन एम्बेडेड फॉर द फ्रंट ग्रिल, साइड फेंडर एंड टेलगेट, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ ये कार आती है। रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स आपको इस कार मिलते हैं। इसके साथ ही आपको इस कार में रेड एसेंट फॉर रूप रेल, साइड सील्स और बम्पर फेंडर मिलते हैं। इंटीरियर की बात करें तो आपको इस कार में ऑल ब्लैक इंटीरियर विद रेड एसेंट्स, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, डैश कैम विद ड्यूल कैमरा, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स, ये तीन ड्राइव मोड्स मिलते हैं और फुल डिस्क ब्रेक के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में एलेक्सा, गूगल वॉइस असिस्टेंस मिलता है। इस कार के मेन कॉम्पिटिटर्स है मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया सोने, टोयोटा अर्बन क्रूजर, टाइजर, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हुंडई वेन्यू एनलाइन के फीचर, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, प्राइजेस और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के बारे में। कार के सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। वेन्यू एनलाइन अवेलेबल है सिर्फ पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन में। मैनुअल और ऑटोमेटिक डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। टोटल 8 वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स में ये कार अवेलेबल है। दोस्तों आज हमारे सामने हुंडई वेन्यू एनलाइन एनए डीसीटी। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 13.75 लाख रुपीज। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ ये कार आती है। आपको इस कार में टेल लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स एलईडी मिलती है। एम्बियंट इंटीरियर लाइटिंग मिलती है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर के साथ ये कार आती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स आपको इस कार मिलते हैं। अब हम बात करने वाले इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ ये कार आती है। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 215/60 R16 की। टायर साइज हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फ्रंट में मिलता है मैकपर्सन स्ट्रक विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। रियर में मिलता है कपर टॉर्शन बीम एक्सले विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। कार के फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और एग्रेसिव लगती है। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ ये कार आती है। एनलाइन की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। बॉडी कलर ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं। कार के इंटीरियर हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सिंगल टोन ब्लैक कलर में पूरे इंटीरियर रेड इंसर्ट्स के साथ मिलते हैं। स्टीयरिंग की डिजाइन, डोर की इंटरनल डिजाइंस, इंटरनल डोर हैंडल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रिट्रेसेबल ओआरवीएम्स के साथ ये कार आती है। लॉक अनलॉक का बटन, विंडोज के कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर के ऊपर लेदर फिनिश मिलती है। नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह, काफी प्रीमियम इंटीरियर्स आपको इस कार मिलते हैं। लाइट के कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एसी वेंट्स की डिजाइन, ऑटो ऑन ऑफ स्विच, ट्रैक्शन स्विच, रिवर्स पार्किंग कैमरा स्विच, हेडलाइट हेड एडजस्टर, एसी वेंट्स की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। स्टीयरिंग के ऊपर हुंडई का लोगो मिलता है। बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको इस कार मिलते हैं। इंजन इमोबिलाइजर के साथ ये कार आती है। सेंट्रल लॉकिंग कीलेस मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ ये कार आती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस कार मिलता है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजाइन देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ ट्रिप मीटर मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एमटी आपको इस कार मिलता है। शिपिंग मोड हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। डिजिटल क्लॉक के साथ ये कार आती है। लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस मिलती है। टैकोमीटर डिजिटल मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस असिस्टेंस, मोड का बटन, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, म्यूट का बटन, फोन के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग के ऊपर हुंडई का लोगो मिलता है। मेन्यू का बटन, क्रूज कंट्रोल के साथ ये कार आती है। लेन असिस्टेंस, स्टीयरिंग की डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। पियानो ब्लैक एलिमेंट स्टीयरिंग के ऊपर मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट की मिलती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील के साथ ये कार आती है। पैडल शिफ्टर, स्टीयरिंग के राइट साइड को लाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इस कार मिलता है। ये आता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। इंटीग्रेटेड इंडियस म्यूजिक सिस्टम के साथ 6 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के साथ ये कार आती है। ब्लूटूथ ऑक्सिलरी यूएसबी कॉम्पैटिबिलिटी आपको इस कार मिलती है। डिस्प्ले की डिजाइन काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। कई सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ ये कार लोडेड आती है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस की फंक्शनिंग देख रहे हैं। ये फीचर्स नए ड्राइवर के लिए काफी हेल्पफुल है। एसी वेंट की डिजाइन, बहुत सारे कंट्रोल्स आपको डिस्प्ले के नीचे मिलते हैं। हजार्ड लाइट का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। एसी के कंट्रोल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑफ का बटन, टेम्परेचर कंट्रोल्स, फैन के कंट्रोल्स, ट्यूलोड का चार्जिंग सॉकेट,
यूएसबी टाइप और सी टाइप ऑक्सिलरी पोर्ट आपको फ्रंट पे मिलता है। वायरलेस चार्जर के साथ एक कार आती है, वायरलेस चार्जर, मोबाइल रखने के लिए जगह। स्क्रीन के ऊपर में इस कार के कीज के डिजाइन देख रहे, कीज के ऊपर लॉक अनलॉक का बटन, होल्ड का बटन मिलता है। ऑटोमेटिक डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ एक कार आती है, इनकी बैजिंग ट्रांसमिशन नॉब के ऊपर मिलती है। ड्राइव मोड बटन, आपको इस कार में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स ड्राइव मोड मिलता है। ड्राइव मोड के ऑप्शन हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर एक अलग ही लेवल का है। ट्विन का फोल्डर, मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट और स्टोरेज मिलता है। काफी कंफर्टेबल आर्मरेस्ट के साथ ये कार आती है। रियर एसी वेंट्स, इस कार के सीट्स लेदर से बने हुए, लेदर सीट्स के ऊपर आपको रेन इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, डोर के ऊपर लेदर फिनिश मिलती है, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। कार के फिटर फिनिश बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। ग्लो बॉक्स में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। को पैसेंजर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर, एयरबैग, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलते हैं। हेलोजन केबिन लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सनरूफ के साथ ये कार आती है। सनरूफ से बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। आईआरवीएम के ऊपर एसओएस का बटन मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर टिकट होल्डर मिलता है। फोर वे इलेक्ट्रिकली प्लस फोर वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और सिक्स वे मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट के साथ ये कार आती है। दोस्तों, अब हम चलने वाले इस कार के रियर सीट्स की ओर, देखने वाले रियर सीट्स के ऊपर आपको कितना स्पेस मिलता है, कितना कंफर्ट मिलता है और लेग रूम कितनी मिलती है। कार की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक्स के साथ ये कार आती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं। कार की रियर सीटिंग हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको इस कार मिलता है। काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, डोर के ऊपर लेदर फिनिश, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार के डैशबोर्ड के डिजाइन देख रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव इंटीरियर्स आपको इस कार मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है। सनरूफ से बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। रियर रीडिंग लैंप, ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोज के कंट्रोल, डोर के ऊपर लेदर फिनिश, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह। काफी कंफर्टेबल सीटिंग के साथ ये कार आती है। सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स, आइसोफिक्स आपको इस कार मिलता है। मिडल रियर हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पार्सल ट्रे, बहुत ही बढ़िया लेग रूम के साथ ये कार आती है। रियर एसी वेंट्स, फैन के कंट्रोल्स, सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, बहुत सारे रेड इंसर्ट्स आपको इस कार मिलते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। रियर सीट हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। स्प्लिट रियर सीट रेशियो 60:40 का है। दोस्तों, अब हम चलने वाले इस कार के रियर की ओर, देखने वाले हैं रियर के लुक्स कैसे लगते हैं, आपको इस कार में कितना बूट स्पेस मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव रियर लुक्स के साथ ये कार आती है। कार की लेंथ है 3.995 मीटर्स, विड्थ है 1.77 मीटर्स, हाइट है 1.617 मीटर्स। कार का व्हील बेस है 2.5 मीटर्स। शार्क फिन रूप माउंटेड एंटीना, रूप रेल्स, स्पॉइलर, सो मनी हुंडई की बैजिंग, स्टॉप लाइट्स, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स के साथ ये कार आती है। टेल लाइट सेटअप काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। हुंडई का लोगो, वेन्यू की बैजिंग, नंबर प्लेट के लिए जगह, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट लाइट्स, रियर पार्किंग सेंसर, रियर रिफ्लेक्टर, रेड इंसर्ट्स, ग्राउंड क्लियरेंस हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। क्रोम फिनिश के साथ एग्जॉस्ट पाइप मिलता है। आपको इस कार में 5 डोर्स मिलते हैं। 5 लोग इस कार में आराम से बैठ सकते हैं। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की है। दोस्तों, अब हम चलने वाले इस कार के बूट स्पेस की ओर। आपको इस कार में टोटल 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कार के इंटीरियर हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम इंटीरियर आपको इस कार मिलते हैं। पार्सल ट्रे, बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार मिलता है। एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स, बूट लाइट, मैकेनिकल जैक के साथ ये कार आती है। स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील मिलता है। स्पेयर व्हील के साइज है 195/65 R15 की। मैकेनिकल जैक, बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार मिलता है। लॉकिंग अरेंजमेंट, इंटरनल डोर हैंडल, लॉकिंग अरेंजमेंट, अनलॉक का बटन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट लाइट्स, डोर सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मिलता है।
दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्रेक असिस्टेंस के साथ ये कार आती है। इसके साथ ही आपको इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलती है। कार के इंटीरियर्स काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। बोनेट ओपन करने के लिए लीवर आपको यहाँ पर मिलता है, फ्यूल लिड ओपनर, लाइट के कंट्रोल्स, टेलीमेटिक्स में फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियोफेंस, इमरजेंसी कॉल मिलता है, ओटीए अपडेट्स मिलते हैं, एनलाइन की बैजिंग, एलेक्सा कॉम्पेबिलिटी के साथ कार आती है। कार के फ्रंट लुक्स और साइड प्रोफाइल काफी स्टाइलिश और एग्रेसिव लगती है। एक्सटीरियर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बंपर्स मिलते हैं। फ्रंट में हुंडई का लोगो, कार के ग्रिल की डिजाइन काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। दोस्तों अब हम चलने वाले इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। आपको इस कार मिलता है 998 सीसी 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व डीओएससी 1 लीटर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन। ये कार प्रोड्यूस करते हैं 118 बीएचपी पावर और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 172 न्यूटन मीटर। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ कार आती है। कार के इमिशन स्टैंडर्ड बीएस6 फेज 2 के अनुसार है। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक डीसीटी मिलता है, ब्रेक ऑयल टैंक, कूलेंट टैंक, वाइपर ऑटो फिल करने की जगह, इंजन ऑयल टैंक, इंजन ऑयल चेकर, लॉक ऑन लॉक के अरेंजमेंट, बैटरी की पोजीशन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप के साथ ये कार आती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के सेफ्टी के बारे में। ओवरस्पीड वार्निंग आपको इस कार मिलती है, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग के साथ ये कार आती है। अभी तक ये कार एनकैप टेस्टेड नहीं है। 6 एयरबैग्स मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चेल्सी टैंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग के साथ ये कार आती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के कंफर्ट और कन्वीनियंस के बारे में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। पार्किंग असिस्टेंस के लिए रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिलता है। रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ ये कार आती है। क्रूज कंट्रोल आपको इस कार मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन का रिमाइंडर मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट वाली मिलती है। 12 का पावर आउटलेट आपको फ्रंट में मिलता है। टोटल 5 कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये कार आती है। स्क्रीन के ऊपर हम इस कार का शेडो ग्रे कलर देख रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको इस कार मिलती है। अट्रैक्टिव लुक्स, कई सारे प्रीमियम फीचर्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आने वाली ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द स्टाफ ऑफ सोमानी हुंडई शिवाजी नगर पुणे एंड सोमानी ग्रुप। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोमानी हुंडई शिवाजी नगर पुणे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।